चलिए आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, उसे बहुत ज्यादा पेंटिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज्यादा शौक था। उसे बहुत ज्यादा पसंद, लेकिन जैसा कि सारे पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर पायलट है, तो ही वो ये तीन चार ऑप्शंस जो हैं हमेशा से, जो हमें बचपन से बताए गए हैं, दीज आर दी ओनली प्रोफेशन विच यू कैन गो ऑन। सो उसके घर वालों का भी मेंटालिटी यही था कि तुम ये क्या पेंटिंग वेंटिंग करते रहते हो, तुम पेंटिंग मत करो एंड तुम ये सारी पेंटिंग की चीजों को छोड़ के तुम पढ़ाई में मन लगाओ। ठीक है, उस लड़के ने क्या किया, अगर मेरे घर वाले मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है कि वो लोग सही कह रहे हो। तो उसने क्या किया, उसने इंजीनियरिंग का एग्जाम निकालने के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट उसने दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका नहीं हुआ, तो उसके घर वालों ने कहा कि डू गिव इट अ नेक्स्ट ट्राई, नेक्स्ट ट्राई में हो जाएगा, और मेहनत करो। उसने अपना और पोटेंशियल डाला लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, सेकेंड अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। उसके घर वालों ने कहा कि ठीक है थर्ड अटेम्प्ट भी दे दो। थर्ड अटेम्प्ट में जब वो बैठा तो उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए और उसने उसी साल बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तब उसके घर वालों ने कहा कि ठीक है कुछ और करो, तुम कुछ और इसी लाइन में चले जाओगे, तुम और थोड़ी मेहनत करो, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इट। लेकिन क्या हुआ, उस लड़के ने वहां पे पॉज लिया, उसने अपना जो भी 3 साल का जर्नी था उसे क्विकली रिवाइंड किया एंड सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्या मुझे ये करना है या नहीं करना है। तो उसने सोचा कि अगर मैं अपने घर वालों के कहने पे प्रिपेयर कर रहा हूं किसी एग्जाम के लिए एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू डू दैट, स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्रैक इट इन 3 ईयर्स, इसका ये मतलब है कि मेरे लिए वो चीज बनी ही नहीं है। मेरा जो एम्बिशन है वो है पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो फिर उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने फिर वापस से जो वो 3 साल उसने डेडिकेट कर दिए थे इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ने के लिए, उसने अपने पेंटिंग स्किल को बहुत ज्यादा एनहेंस किया ताकि वो बहुत ज्यादा शार्प हो पाए और वो एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो आर्टिस्ट बनाते हैं जाने माने, वैसा कुछ कर पाए। तो उसने क्या किया, उसने वापस से अपना जो रख दिया था अंदर, उन सबको निकाला, पेंटिंग निकाला, स्टार्ट किया, कभी एक पेंटिंग बनाई, कभी दो पेंटिंग बनाई, और उसे लगा कि नहीं, यही चीज है जो मुझे करनी है। फिर वो डे बाय डे करता गया करता गया, उसके स्किल्स इतने इनहेंस हो गए कि उसकी एक पेंटिंग जो है, यू विल नॉट बिलीव, उसकी जो एक पेंटिंग है वो सीधे 1 CR में बिकी। तो यू कैन नाउ गेट इट व्हाट आई वांटेड टू लेट यू नो कि कभी भी अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, आपका फ्रेंड क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई चीज फॉलो करते हैं, देर इज अ चांसेस कि आप उसमें सक्सेस ना हो पाए, अनलेस आपका उसमें मन हो। अगर आपका किसी चीज में मन नहीं है एंड स्टिल यू आर डूइंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर यू हैव इन योर लाइफ, यू विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू इट। सो अपने आप को पहचानिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको कन्वेंशनल जो भी हमारे प्रोफेशन हम लोग को बचपन से बताए गए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, ये सारी चीजें, अगर वो नहीं बनना है तो जो उसके ऑल्टरनेटिव करियर आपने सोचा है या जिसमें आपका मन है, जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उसके क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में वर्क कीजिए, तो आप उसको भी एज अ करियर चूज कर सकते। जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बने, हर कोई इंजीनियर बने या हर कोई टीचर ही बने। अगर उस लड़के ने भी अपने घर वालों की सुनी होती तो वो फिर से नेक्स्ट टाइम, हो सकता है कि उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता, वो थर्ड टाइम भी क्वालिफाई ना होना उसके लिए एक अलार्म था कि हाँ अब मुझे यहाँ पे पॉज लेके अपने बारे में सोचने की जरूरत है। तो आपको भी होना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है या नहीं करना है, आई विल डिसाइड बाय माई सेल्फ, कीपिंग इन माइंड माई हॉबीज, माई इंटरेस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने मिला है, डू लेट मी नो।